स्टूडेंट नव भारती परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रेमलता माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आपकी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज तक की क्लासों में तीन क्लासें हमारी हुई हैं, उनके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ स्वयं की समझ को पढ़ने का, स्वयं की समझ को जानने का प्रयास किया है और आगे भी हम पूरी ही इकाई के अंदर अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको जानने और पूछने का प्रयास करते रहेंगे। स्टूडेंट तो आप मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको एग्जांपल देती हूँ वो एक देखिए जो बीएड है कर रहे हैं हम, वो तो है एक डिग्री जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एक सब्जेक्ट दिया है, लेकिन बच्चों अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एक बस एक सब्जेक्ट ही नहीं रह गया है, ये हमारे हम अपने आप के डेवलपमेंट और हमें जीने की कलाएं सिखाता है। तो वीडियो में बने रहने के बाद मैं आपको आगे से आगे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपकी आगे की लाइफ में, आपकी लाइफ को सक्सेस करने में हो सकता है एक बात भी अगर आपके कानों से सुनी जाएगी और वो अपने जीवन में उतरेगी तो हो सकता है आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने पढ़ा था स्वयं को जानने के जो संप्रत होते हैं, अपने आप को समझने के जो जो अर्थ होता है वो जाना। उसकी सेकेंड क्लास में हमने पहलुओं पे ध्यान दिया कि कौन कौन से पहलू होते हैं जिनके डेवलपमेंट से हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको विकसित कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, स्वाभिमान। स्वाभिमान यानी कि आत्मसम्मान। स्वाभिमान आत्मसम्मान एक ही बात होती है स्टूडेंट, क्योंकि आत्मसम्मान जो होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मायने रखती है, क्योंकि जो आत्मसम्मान है वही तो अपना किसी और से हर्ट होता है। तो वो क्यों होता है, क्या चीज़ें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनसे हम परेशान होते हैं, कौन सी चीज़ों को हम अपने अंदर से निकाल के अपनी सोच को सकारात्मक करते हुए अपने हृदय के संवेगों को संभालते हुए अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वाभिमान, आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान क्या है। तो आत्मसम्मान जो है इसके माध्यम से हम अपना मूल्यांकन करते हैं, आत्मसम्मान यानी अपना ही मूल्यांकन हम करते हैं आत्मसम्मान के जरिए। तो स्वाभिमान दूसरों के प्रति हमारा विश्वास, हमारा संबंध, हमारे कार्य जो हमारे जीवन का हिस्सा है, क्या है स्टूडेंट, जो हमारे जीवन का हिस्सा है को प्रभावित करता है। आत्मसम्मान है वो इन सारी चीजों को प्रभावित करता है इंटरनल तरीके से, और इंटरनल भी करता है एक्सटर्नल भी करता है। कैसे करता है कि सकारात्मक स्वाभिमान हमें लोचशीलता प्रदान करता है, यानी कि जो सकारात्मक जो अपना आत्मसम्मान होता है वो हमारे अंदर की जो चीजें हैं उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है, जिससे हम आगे से आगे सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर पाते हैं। तो हेनरी ने कहा था कि अंतर समूह में विभिन्नताएं एवं अंतर होने पर स्वाभिमान में क्या होती है स्टूडेंट, वृद्धि होती है। अंतर समूह यानी कि अपने अंदर की जो भी चीजें हैं उनका एक समूह बनता है, उससे भी हमारे स्वाभिमान में वृद्धि होती है। क्योंकि अंतर देखो बाहरी समूह होते हैं, समाज से रिलेटेड होते हैं, परिवार से रिलेटेड होते हैं, अपने दोस्तों से रिलेटेड होते हैं, एक्साइजेड कोई भी वो एरिया हो सकता है, लेकिन जो आंतरिक समूह होता है, जो हमारे अंदर की इंटरनल चीजों का जो समूह का आकलन होता है, उससे भी हमारी सकारात्मक सोच डेवलप होती है, जिससे स्वयं परिचय अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, जिससे अपना जो परिचय होता है, स्वयं का की पहचान, स्वयं के प्रति स्वयं का परिचय किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ये होता है हमारे अंतर समूह में जो भिन्नताएं होती हैं उनके कारण हमारा जो आत्मसम्मान है वो सकारात्मक सोच से प्रभावित होता है और नकारात्मक सोचों से भी प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स जो स्वाभिमान है वो भी दो प्रकार का बताया गया, कितने प्रकार का बताया गया स्टूडेंट, स्वाभिमान भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका सकारात्मक स्वाभिमान, नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा नकारात्मक स्वाभिमान। स्वाभिमान कितने तरीके के बताए गए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वाभिमान जो हम अपने अंदर डेवलप करते हैं स्टूडेंट वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती है।
होती हैं, कौन सी अच्छाइयों को हम ऑब्जर्व करते हैं, किन बुराइयों को हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला सकारात्मक स्वाभिमान का पहलू है वो है मैं स्वयं का सम्मान करता हूँ, यानी कि मैं ही अपने आप का सम्मान करता हूँ, ऐसा सकारात्मक स्वाभिमान का पहला लक्षण माना जाता है। देखिए स्टूडेंट, जब तक मैं स्वयं ही स्वयं का रेस्पेक्ट नहीं करूँगा तो दूसरे कौन मेरा रेस्पेक्ट करेंगे। इस चीज की जो हमारे अंदर जो आत्मसम्मान की भावना है वो ज्यादा हीन तरीके से डेवलप होगी। तो आप स्वयं अपना सम्मान करना सीखिए ना, किसी और से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपने आप का सम्मान स्वयं करना सीखें। स्वयं जब कुछ अच्छा अपने लिए सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान आगे से आगे अच्छा होता रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं प्यारा है आकर्षक हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्यारा हूँ, मैं आकर्षक हूँ, यानी कि मैं दूसरे को अट्रैक्टिव करने वाला हूँ, यानी कि मेरे को जो देखता है, मेरे अंदर वो छवि है जो मुझे कोई दूसरे को दूसरा अगर कोई देखता है तो अट्रैक्ट होता है। ऐसी चीजें डेवलप करनी है, ऐसी चीजें हमें डेवलप करनी है किसके लिए, अपने सकारात्मक स्वाभिमान को जागृत करने के लिए। नेक्स्ट है मुझे अपने पर विश्वास है और वो देखता है। देखिए स्टूडेंट, कई बार हम किन्हीं चीजों से किसी चीज का विचार आता है कि पता नहीं वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमको ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर कि मेरे ऊपर मेरा जो विश्वास है, मुझे जो अपने ऊपर विश्वास है वो है और वो दिखता भी है। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट जो सही और गलत को तरीके से ले और तरीके से उसका मुआवजा करे। मैं स्वयं का, मैं दूसरे का अच्छा दोस्त हूँ। मैं देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, हमको अपना ही दोस्त बनना है। मैं स्वयं का एक अच्छा दोस्त हूँ, उसके बाद मैं किसी दूसरे का अच्छा दोस्त हूँ। मैं स्वयं का अच्छा दोस्त बनूंगा तभी मैं किसी दूसरे का अच्छा दोस्त बन पाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, अपनी पर्सनैलिटी को अपने सामने रखकर देखिए कि और सोचिए, और सोचने में सिर्फ सकारात्मक सोचिए कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, अपने अंदर की फीलिंग है, अपने अंदर जो महसूस हुई चीजें हैं वो वाकई में लगेंगी, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, जीवन बहुत अच्छा है। देखिए स्टूडेंट, ये तो ग्रंथों में भी लिखा है कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है और इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें सिर्फ सोच का ही तो फर्क है, सोच की वजह से ही हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं। लेकिन इन्होंने भी यहाँ भी हम अपने आप के जो स्वाभिमान को जागृत कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि जीवन बहुत अच्छा है, मैं इसे आनंद से जी रहा हूँ। यानी कि जीवन है वो इतना अच्छा है, उसमें सारी पॉजिटिव चीजों को डेवलप करो, नेगेटिव कोई आती है उसको इग्नोर करो। 98% पॉजिटिव, 2% नेगेटिव। दौड़ना किसके पीछे है, 98 के पीछे, न कि 2% के पीछे। तो जीवन बहुत अच्छा है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, इस तरीके से अपने स्वाभिमान को डेवलप करिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नकारात्मक स्वाभिमान। नकारात्मक स्वाभिमान को हमें पहले तो इग्नोर ही करना है, नकारात्मक चीजों से हमें दूर ही रहना है। लेकिन फिर भी प्रत्येक, देखिए आत्मसम्मान में जैसे स्वयं के परिचय में सभी चीजों में, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक हो, सभी चीजों के परिणाम दो होते हैं, सफलता असफलता, अच्छाई बुराई, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारी चीजें लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तो हमें नकारात्मक स्वाभिमान के लक्षण में पहला जो लक्षण है, अपने स्वयं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, जो हमें हीन भावना की तरफ ले जाता है। हमारे स्वयं के प्रति हमारा ही जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हुआ तो हम अपने आप को नीचा मानेंगे कि नहीं, लेकिन नहीं, क्यों, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सबके अंदर वो छवियां हैं, किसी किसी की छवि है। देखो छवियां सबके अंदर होती है, मैंने पिछले में भी बताया था आपको कि जो हुनर है वो प्रत्येक में होता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का ही डिफाइंड होता है। छवियां वो प्रत्येक में होती है, किसी की छप जाती है और किसी की छुप जाती है। तो पूर्णतावादी प्रवृत्ति, सेकंड आ गया पूर्णतावादी प्रवृत्ति, जो नेगेटिव जो लोग होते हैं वो अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं, यानी कि जो उनके अंदर जो चीजें डेवलप हो रही है, वो नेगेटिव ही हो रही हो, लेकिन वो अपने आप को पूर्णतावादी मानते हैं। लेकिन नहीं, कंडीशन देखते हुए अपने आप को समझना चाहिए क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आसपास से भी हमारे, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि बाहरी चीजों से भी हमारा डेवलपमेंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, उससे हम कुछ अच्छी चीज
चीजों को स्वीकार करके अपनी नेगेटिव चीजों को निकालना अपन को होता है। तो नेगेटिव चीजों में अपने आप को पूर्णतावादी समझना ये गलत है, नहीं समझना चाहिए। दूसरों पर दोषारोपण, कुछ व्यक्ति होते हैं खुद पे स्वयं कुछ नहीं कर पाते और दूसरों पे दोष थोपते रहते हैं, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें अपने आप को समझना चाहिए, हम कुछ कार्य ऐसे करें जो हम अपने आप को समझें, दूसरों को क्यों दोष दें। जब हम अपने आप ये सारी चीजें करेंगे तो हम दूसरों को दोष देना भी, देखो कई बार क्या होता है कि झुक जाने से, देखो एक पंक्ति मैं आपको बताऊंगी कि फल उसी पेड़ में, जिस पेड़ में फल लगता है वही पेड़ झुकता है, यानी कि जहां फल लगता है ना जिस पेड़ के अंदर वही पेड़ झुकता है। तो हमें अपनी जो चीजें हैं दूसरों पे क्यों थोपनी, अगर कुछ गलती हुई है तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, क्षमा मांगने से कुछ भी कम नहीं होता, क्षमा जो आगे बढ़ने वाले इंसान है वो हमेशा क्षमा प्रार्थी होते हैं, क्षमा मांगने वाले और क्षमा देने वाले होते हैं, और दूसरों पर दोषारोपण इसलिए नहीं करना चाहिए। जोखिम उठाने का डर, हमारे अंदर एक डर है वही सफलता और असफलता वाला, तो हम जोखिम क्यों नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा जो आंतरिक मन है वो हमसे बार बार कहता है पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन हम जब तक कुछ करके ही नहीं देखेंगे तो सही गलत का हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो हमें जोखिम उठानी चाहिए, जोखिम उठाने से नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। जब तक हम किसी चीज को जोखिम नहीं उठाएंगे, किसी चीज का कार्य को नहीं करेंगे, तो ना हमें सफलता का पता चलेगा ना असफलता का पता चलेगा। और एक होता है आपके सकारात्मक पार्ट को नजरअंदाज करना, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सकारात्मक चीजें हैं उनको नजरअंदाज करना। स्टूडेंट जो बॉडी के सकारात्मक जो पार्ट है वो नजरअंदाज कब होंगे, जब हमारे अंदर नकारात्मक पार्टों की अधिकता हो जाएगी। जब हम नकारात्मक ज्यादा सोचने लग जाएंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें पॉजिटिव ज्यादा सोचना चाहिए, नेगेटिव के पार्ट को नीचे दबा देना चाहिए, ना कि हमें नेगेटिव ज्यादा सोच के पॉजिटिव को दबाना चाहिए। इससे क्या है, हमारे जो अंदर का जो हुनर है, हमारी जो अंदर की चीजें हैं वो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगी, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ खेल किसका करना है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप को समझने की बहुत आवश्यकता है स्टूडेंट्स। इन तथ्यों के आधार पर, कहा जा सकता है कि स्वाभिमान का प्रत्येक पहलू जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, कि जो इसका स्वाभिमान का प्रत्येक पहलू है वो जीवन पे सकारात्मक असर डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपसे इतनी ही चर्चा कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब वीडियो बड़ा होता है, क्लास बड़ी चलती है, तो स्टूडेंट्स पूरी नहीं देखते। क्यों बच्चों, कुछ ना कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी होती हैं, प्रत्येक वीडियो के अंदर, प्रत्येक शिक्षा वीडियो जो आपके आ रहे हैं इनके अंदर जो हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज कर। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको और कुछ नहीं तो कुछ चीजें ऐसी जो आप में नहीं है वो किसी को ऑब्जर्व करके आप में आ सकती हैं, तो इससे भी बहुत बड़ा बदलाव हमारे अंदर आता है। तो आज की क्लास में इतना ही लेना चाहूंगी स्टूडेंट, आगे अगर मेरी क्लास को आप लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे यानी मेरे वीडियो को लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए, कमेंट बॉक्स में अच्छी कमेंट्स लिख के भेजिए स्टूडेंट्स।